हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शुभजीत और टेक्निकल शुभजीत में आपका स्वागत है। मैं आज बताऊंगा जियो में रिक्रूटमेंट हो रहा है जॉब के लिए, तो फिर आप भी अगर जियो में जॉब करना चाहते हो तो फिर वीडियो ज़रूर देखना। तो फिर शुरू करने से पहले मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर आपको प्ले स्टोर में जाना है और माई जियो ऐप को आपको पहले डाउनलोड करना है, ठीक है। तो फिर मैं पहले से ही डाउनलोड कर दिया है, आप अगर नहीं किया तो फिर डाउनलोड कीजिए माई जियो ऐप को। उसके बाद आपको माई जियो ऐप को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है, और लॉगिन कर लीजिएगा ओपन करने के बाद, अगर आप लॉगिन नहीं रहते हो। उसके बाद ऊपर में जो बैनर शो कर रहा है उसको आपको ऐसे स्लाइड करना है, ठीक है। स्लाइड करने के बाद यहाँ पर देखिए क्रिएट द डिजिटल इंडिया, यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर अप्लाई नाउ पर आपको क्लिक करना है, तो फिर एक पेज ओपन होगा, ठीक है। ये देखिए पेज ओपन हो गया है। तो फिर ऊपर में जो डिजिटल चैम्पियन प्रोग्राम है ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इस प्रोग्राम के बारे में यहाँ पे बताएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है, क्या क्या ज़रूरत है, वो भी यहाँ पे दिया गया है। फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए है स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड फर्स्ट और सेकेंड ईयर, जो फर्स्ट या फिर सेकेंड ईयर कंप्लीट किया ग्रेजुएशन है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन जो होगा उसमें जो स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा वो होगा बेसिक ऑफ देयर रिस्पॉन्स टू एन ऑनलाइन एक्सेसमेंट टेस्ट, ठीक है। ऑनलाइन में एक एग्ज़ाम होगा, ठीक है, यहाँ पर ही होगा। उसके सारे डिटेल्स में आपको बताया गया है। तो फिर आपको यहाँ पर देखने के बाद हैवे क्वेश्चन फॉर आस, यहाँ पे बहुत सारे दिया गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट इंटरेस्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो डिटेल्स है वो ठीक से भरना है। मैं भी यहाँ पे डिटेल्स जो है भर लेता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपको डिटेल्स भरना है, ठीक है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपके डेट ऑफ बर्थ जो है वो ठीक ठाक दे दीजिएगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपको ठीक से भरना है और उसके बाद आपका आधार कार्ड का जो नंबर है वो ठीक ठाक डालना है, ठीक है। मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए इस तरीके से एक नंबर दे रहा हूँ। उसके बाद आपको ईमेल नंबर, ईमेल एड्रेस जो है, ईमेल एड्रेस आपको ठीक ठाक यहाँ पर डालना है। उसके बाद मोबाइल नंबर भी आपको दे देना है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आपको कौन सी कॉलेज से हो वो कॉलेज का नाम भी दे दीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आप कौन सी कोर्स कर रहे थे ये भी यहाँ से दे दीजिएगा और कोर्स टाइप भी बता दीजिएगा, पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो, और ग्रेजुएशन कौन सी ईयर पर किया था वो भी यहाँ पर आप डाल दीजिएगा इस तरीके से। और प्रेफरेंस क्या है, कौन सी सिटी से है आप, कौन सी सिटी पे हैं वो भी आप यहाँ से डाल दीजिए। और उसके बाद ये लोडिंग होगा इस तरीके से, ठीक है। तो फिर प्रेफर्ड प्रोजेक्ट लोकेशन कौन सी सिटी इस तरीके से सिलेक्ट करो। उसके बाद आपको स्कैन कॉपी ऑफ आधार कार्ड का कॉपी जो है आपको डालना है, वो 2 MB से ज़्यादा होगा तो फिर नहीं लेगा, ठीक है, 2 MB या फिर उससे कम होगा उसका जो फाइल साइज है,
उसके बाद आपको स्कैन कॉपी ऑफ कॉलेज आईडी कार्ड, कॉलेज का जो आईडी कार्ड था उसका भी कॉपी आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पर क्लिक करना है और आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इस तरीके से सबमिट करना है। तो फिर देखिए, मैं अभी जो है इसको देना, बायोडिजिटल आधार कार्ड नंबर जो है रॉन्ग दिया था, इसलिए मुझे ठीक से देना देने के लिए बोल रहे हैं। तो फिर आप ठीक ठाक दीजिए, उसके बाद आपका फिर से एक पेज ओपन होगा, ठीक है। इसका आगे प्रोसेस मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मेरा आधार कार्ड का नंबर अभी मुझे याद नहीं है, ठीक है। आप आधार कार्ड का नंबर ठीक ठाक डाल दीजिए, उसके बाद एक पेज फिर से ओपन होगा। वहाँ पर आपको 16 से 17 क्वेश्चन जो है आपको ऑनलाइन में आंसर भी है उसको सिलेक्ट करना है, जो जो ठीक आंसर है उसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद वेरिफिकेशन होगा, जियो वेरिफिकेशन करेगा, और जब वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा आपके पास एक ईमेल आएगा, ठीक है, और आपके जॉब के बारे में डिटेल्स वहाँ पे बोला जाएगा। तो वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो फिर जरूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो फिर नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।